सुशील भद्र साहब ने कहा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। हम सलाम करते हैं बुलंदशहर के उस जाबाज पुलिस अफसर को जिसने अपनी ड्यूटी पर अपनी जान दी। हम दोनों हाथों सलाम करते हैं उसकी शहादत को और हम आशा करते हैं कि आने वाले कल में अगर तिरंगा दिखाई दे तो ओलंपिक के एशियाड के ट्रैक्स पर दौड़ती हुई हमारी बेटियों के पदचापों के साथ लहरता हुआ दिखाई दे, हमारे पहलवान हमारे मुक्केबाजों के हाथ में शौर्य का परचम लहराता हुआ दिखाई दे। ईश्वर ना करे कि हमारे किसी बेटे बेटी के शव पर वो तिरंगा लिपट कर रोए कि उसे इस लोकतंत्र में जान देनी। इसलिए केवी सम्मेलन के इस सेट से मैं आपसे हर हफ्ते ये गुजारिश करता हूं कि वर्चुअल दुनिया में और रियल दुनिया में अपने इन तथाकथित मसीहाओं के लिए एक दूसरे से मत लड़िए, क्योंकि अगर कोई भी सरकार जरा से गठबंधन के फेर में फंसी तो आपको दिखाई देगा कि रामलाल श्यामलाल के बैंड में नाच रहा है। ये सब एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं, कोई इधर होता है कोई उधर होता है। अभी जिन्हें टिकट नहीं मिला वो दूसरी तरफ टिकट मांग रहे थे। ये अपने मसीहा रोज बदलते हैं, अपना आदर्श रोज बदलते हैं, लेकिन हम मोहब्बत बांटने वाले लोग इनसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो इनका फर्ज है जिगर के शब्दों में, वो अहले सियासत समझें, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो मैं मोहब्बत के एक ऐसे ही शहर से जो हिंदुस्तान की हर बहन बेटी भाभी और मां की कलाई में धड़कता है, एक ऐसा शहर जो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बांटता है, वहां से अपने कुनबे के अपने एक भाई से आपकी मुलाकात कराता हूं जो पिछले दिनों खबरों में रहे, इसलिए कि सड़क के किनारे चौराहे पर एक बेटी की असमत को चंद लफंगे ललकार रहे थे। तो शायर ने सोचा कि मैं केवल शायरी करूंगा या मैं इस बात का मोर्चा भी लूंगा, और उसने दमदारी के साथ शहर के उन गुंडों उन मंचलों से लोहा लिया। दुष्परिणाम यह हुआ कि उन पर एसिड फेंक दिया गया और उनको धमकाने की और उनके हत्या के प्रयास की कोशिश की। हम आभारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और पुलिस के कि हम सब कवियों के कहने पर और उनके निवेदन पर उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, उन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उस कवि ने यह बताया कि कवि और शायर के लिए केवल कविता लिखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अगर उस कविता को जिंदगी में ढालने का पल आ जाए तो वो हर कवि सम्मेलन मुशायरे को छोड़कर अपने घर की मां बहन बेटी के लिए खड़ा हो जाएगा। ऐसे हाशिम फिरोजाबादी का, एक नायक का, एक हीरो का हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। हाशिम, ओ ओ, जैसा कि कुमार भाई ने कहा, मेरे हवाले से आपको बताया, रियलिटी यही है कि हमको सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं रहना है, आम जिंदगी में क्या हमारी जिम्मेदारियां उसको अंजाम। तो चार लाइन आप तक पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है आशिम। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, चौथी पंक्ति में चौंकाऊंगा, पेश करता हूं। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। वाँ वाँ। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाशिम, आपने बड़ा शेर कहा कि लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, तो हालांकि उस समय आप टीवी पर चर्चा में थे सब जगह, वाकया क्या था? मेरे ख्याल से जनता ये भी जानना चाहेगी कि ऐसा क्या हुआ कि मोहब्बत के अशआर गाने वाले एक शायर को एसिड अटैक झेलना पड़ा, इतना बड़ा झगड़ा हुआ आप पर, इतना बड़ा हमला हुआ, तो बात क्या हुई थी? भैया बहुत रियलिटी ये है, हो सकता है बात तफसील से आप लोग वाकिफ ना हो, लेकिन इस केस में, इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा बड़ा रोल रहा, सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि एक बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाई है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। ये छोटी से कवि, छोटे से शायर की ये बड़ी लड़ाई कैसे बनी, उसमें अगर सबसे बड़ा रोल था डॉक्टर कुमार विश्वास जी का, दूसरा किसी का। एक जुमला और बोलना चाहता हूं, रियलिटी आज तक के इस मंच से
आपको बताना चाहता हूँ, वो लम्हा इतना कीमती था, इसको मुझे कहते हैं फख्र हो रहा है कि उस वक्त उर्दू को बचाने के लिए हिंदी आई थी। सिंपल सा मामला था, कुछ लफंगे लड़कियों परेशान करते थे, उनके पेरेंट्स परेशान थे, लड़कियों ने घर बैठना मंजूर कर लिया था, लेकिन ये हिम्मत नहीं थी, बेटियां स्कूल कॉलेजेस भेजे, लड़कियां घर बैठना शुरू हो गई थी। किसी ने कंप्लेन की, मैं ऑन स्पॉट जाकर समझाने लगा, ऐसे आप क्यों कर रहे हैं? हम स्पेशली हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में ऐसा होता है कि हम बेटे को तो ये चाहते हैं कि ISPCS ऑफिसर बन जाए, बेटियों तक ये हमारे मेंटली अप्रोच है कि हाई स्कूल इंटर किया वो घर तक महदूद रहे। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए गया था। उसका रिजल्ट आपके सामने था। लेकिन सच ये है, ये एसिड मेरे जिस्म की स्किन को कमजोर कर सकता है, मेरे हौसले को नहीं। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदोस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, अपने हिंदोस्तां को। चार लाइन और पढ़ता हूं, सुनेगा। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा, मैं शायर हूँ दिलों को जोड़ने का काम है मेरा, मैं शायर हूँ दिलों को जोड़ने का काम है मेरा, मैं शायर हूँ दिलों को जोड़ने का काम है मेरा, वतन पर आज जब आए सरों को पेश कर देना, वतन पर आज जब आए सरों को पेश कर देना, सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा, सभी हिंदू। लेकिन एक बात मैं और आपसे साझा करना चाहता हूं कि सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो एक हक के लिए लड़े, बेटियों के हक के लिए लड़े, और उन्हें एक बहुत खराब वक्त से गुजरना पड़ा जिसमें हम सब उनके साथ थे और साथ रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब शहर के तमाम लोगों ने मिलकर और उन अपराधियों के घर वालों ने भी मिलकर इन्हें यह प्रॉमिस किया कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और उन बच्चों को माफ कर दें जिन्होंने ये किया है, तो शहर ने बड़ा दिल दिखाते हुए शहर के सार्वजनिक मंच पर जिस पर माइक लगा वहां हाशिम ने उन्हें माफी दी और कहा कि मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं। एक बार जोरदार तालियां हाशिम के लिए।